जैसे जैसे पंचायत चुनाव नजदीक आता जा रहा है, इसके लिए अलग अलग तरह की सरगर्मी बढ़ती जा रही है। इस दौरान आपसी रंजिश भी देखने को मिल रही है। वैशाली जिले में चुनावी रंजिश में एक युवक की हत्या कर देने का मामला सामने आया है। शुक्रवार को वैशाली जिले के करताहा थाना क्षेत्र अंतर्गत धनुषी गांव में चुनावी रंजिश के दौरान गोलीबारी में आशुतोष राज नामक युवक को गोली लग गई। इसके बाद उसे आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुका था। युवक की मौत की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। युवक के छोटे भाई ने बताया कि हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके चाचा शैलेश कुंवर ने करवाई है। उसने बताया कि भाई अपने चाचा का चुनाव में विरोध कर रहा था, इसके कारण उसके चाचा ने गांव के राधेश्याम को 1,00,000 रुपए देकर एक बंदूक खरीदवा दी थी। उसी बंदूक से उसके भाई की हत्या की गई है। उसी गांव में शाम में लगभग 6 बजे के आसपास में गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति को 3 गोली लगा हुआ है। उनका नाम है आशुतोष राज और उनको हॉस्पिटल लाने के क्रम में ही डेथ कर गया है। उनका पोस्टमार्टम का प्रक्रिया हम लोग करवा रहे हैं। परिजन लोग आए हुए हैं, ग्रामीणों पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे आवेदन क्या आता है, उसके बाद हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। चुनावी रंजिश में हत्या की बात बता रहे हैं लोग, अभी तो ग्रामीणों का नाम कुछ लोगों को ले रहे हैं, लेकिन आवेदन आने के बाद ही इसमें स्पष्ट रूप से बोलना अभी उचित नहीं होगा। उन लोगों का आवेदन आने के बाद ही मैं स्पष्ट कर पाऊंगा कि क्या कारण है घटना का। कितने लोग बता रहे हैं? अभी तो आवेदन नहीं है, आवेदन आने के बाद मैं बताऊंगा। कुछ जनप्रतिनिधि हैं क्या सर उसमें, कुछ जिन पर आरोप लगाया जा रहा है? मैं नहीं बोल सकता हूँ, आवेदन आने दीजिए ना, आवेदन आने दीजिए, स्पष्ट हो जाएगी। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।